यार बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, कल से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। आज का दिन थोड़ा लेजी लेजी सा भी है। एक काम करती हूँ, कल से पक्का रोज सुबह उठ के 5 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। आज थोड़ा सा लेजी फील हो रहा है तो आज नहीं पढ़ते, पर कल से पक्की प्रॉमिस। यस, पक्की प्रॉमिस, बिना किसी एक्सक्यूज के, विदाउट एनी फेल, कल से रोज पढ़ना स्टार्ट करूंगी। हाँ, आज 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 रहने देते, कल से स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग। यार मेरे को पता ही नहीं चला अलार्म कब बजा सुबह। सुनाई तो देना चाहिए ना अलार्म, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं क्या करूं? और एक तो पहाड़ जितना सिलेबस है मेरा, आदमी के अंदर मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं आती पढ़ने की। इतना सारा सिलेबस है, कहां से शुरू करूं वो ही समझ में नहीं आता। मतलब इंसान को पता तो होना चाहिए ना कहां से स्टार्ट करना है, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मैं पढ़ाई कैसे चालू करूं जब इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए और ये भी नहीं पता है कि कहां से स्टार्ट करना है। देन हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग व्हेन आई डोंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल? कैसे करूं मैं? और अगर ऐसे ही इसी स्पीड से अगर मैं चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब मेरा सिलेबस बिल्कुल ही पूरा नहीं होगा और चीजें बिल्कुल ही रिवाइज नहीं होगी, तो फिर कैसे होगा? और मन में जो गिल्ट फील होता है वो अलग, मतलब अलग एक गिल्टी भी फीलिंग आ रही है कि क्यों मैं नहीं पढ़ रही हूँ, और मैं पढ़ना चाह रही हूँ तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है? आई थिंक आई नीड टू टॉक टू समबडी। लेट्स टॉक टू दीपिका एंड फाइंड आउट कि हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग व्हेन आई डोंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल। कैन यू प्लीज हेल्प मी ऑन दिस वन? तो ये बात है, देखो टू बी ऑनेस्ट पढ़ने का किसी का मन नहीं करता है, पर अभी मूवी दिखा लो 2 घंटे की, सब मजे से देख लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे अंदर से मोटिवेशन लैक करता है। हमें ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज है पढ़ने के लिए, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इतना सारा सिलेबस है, तो हमारे खुद में वो इंस्पिरेशन नहीं आता है, मोटिवेशन नहीं आता है पढ़ाई करने का, क्योंकि हमें लगता है इतना सारा है, ये कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जब आपको लग रहा है बहुत सारा सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि छोटे छोटे टारगेट्स अपने लिए सेट करो। जैसे शुरुआत में अगर आप अपने लिए बहुत सारे टारगेट सेट कर दोगे, ओवर एम्बिशियस हो जाओगे, फिर वो टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो आप और डिमोटिवेट हो जाओगे और पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है सबसे पहले अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करो। जैसे आप ये टारगेट सेट करो कि एक चैप्टर को आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, राइट? तो जब तीसरे दिन वो चैप्टर खत्म होगा ना, तो आपको अचीवमेंट फील होगी, आपको ऐसा सेंस ऑफ एक ऐसा सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यस मैं कर सकता हूँ। तो वही चीज की हमें जरूरत है। सबसे पहले अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उन टारगेट्स के हिसाब से अपनी पढ़ाई को चालू करो। एकदम से अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि आप 5 घंटा पढ़ोगे, आप 6 घंटा पढ़ोगे, तो एकदम से पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी। एकदम से 5 घंटा सोच के ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सेकेंड थिंग इज स्टडी फॉर लेस आवर्स बट एवरी डे। मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ो, चाहे कम टाइम के लिए ही पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, दिन में चाहे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा से ही स्टार्ट करो, पर रोज पढ़ाई करना स्टार्ट करो। थर्ड थिंग, अपने लिए एक स्केड्यूल सेट करो। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह जल्दी उठ के 2 घंटे पढ़ने की ट्राई करो। अगर आप इवनिंग पर्सन है तो रात में जो भी आपको समय मिलता है उसमें आप अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट करें। एक स्केड्यूल सेट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया, सबसे पहले मैंने ये बताया है कि आपको ओवर एम्बिशियस होके टारगेट सेट नहीं करने, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं जिन्हें तुम अचीव कर सको। सेकेंडली, आपको रोज पढ़ना है, पर शुरुआत में कम कम आवर्स के लिए पढ़ना है। एंड तीसरी चीज, रोज एक स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ना है, रोज एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से पढ़ना है। एंड एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्या है वो? एक्सरसाइज करना। अगर आप सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा जॉगिंग, थोड़ा सा वॉकिंग भी करोगे ना, आपको पूरा दिन इतनी एनर्जी फील होगी अपनी बॉडी में कि ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने का भी मन करेगा। सो ट्राई टू कीप योर बॉडी फिजिकली एक्टिव। तो स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई, डोंट वरी, गिल्ट में क्यों जीना है? गिल्ट में बिल्कुल ऐसा गिल्ट नहीं रखना कि मेरे से मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं, आप कर सकते हो, ट्राई तो करो, है ना? तो आई होप कि मेरे सॉल्यूशंस आपके काम आए। ओके, सी यू, बाय।